हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ ऑल टाइम स्टडी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बिल्कुल जिसको बोलते हैं दासू। तो आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने फ्रेंड्स के पास जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो भी आपकी यहाँ पे थ्योरी दी है, वन फैक्टर थ्योरी, यानी कि आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, या फिर आपकी जो भी एल्बर्ट और या स्पीयरमैन ने जो भी आपकी यहाँ पे जो भी मीन्स बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं आपके मनोवैज्ञानिकों ने, तो उसके बारे में अभी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ मैं कि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपका एक या दो नंबर इंटेलिजेंस के टॉपिक से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट है कि एक खंड या एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत, यानी कि वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे हम। तो वन फैक्टर थ्योरी आपकी दी थी, वन फैक्टर थ्योरी यहाँ पे आपकी दी थी एल्फर्ड बिने ने। और एक बात और मैं आपके लिए बता दूं कि जो पियाजे थे उन्होंने बस इस बुद्धि पर जो है वो काम किया था। यहाँ पे सिर्फ है जो वो काम किया था इस बुद्धि के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई भी यहाँ पे थ्योरी नहीं दी थी। आपसे पेपर में पूछा जाए तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। इन्होंने कोई भी थ्योरी नहीं दी थी, इन्होंने स्टेज थ्योरी दी थी। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस की, तो इन्होंने इंटेलिजेंस में अपना रोल प्ले नहीं किया, सिर्फ बस काम किया था। तो यहाँ पे जो आपकी वो बुद्धि है वो एल्फर्ड बिने ने दी है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी कह लीजिए। अब इसको बोलते हैं कि यहाँ पे निरंकुशवादी सिद्धांत। देखो, निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है वो आपका यहाँ पे हम इसके एक तो खंड नहीं कर सकते बिल्कुल, ये जो है वो आपकी यहाँ पे अखंडीय है, इसको हम यहाँ पे विभाजक नहीं कर सकते, विभाजक नहीं कर सकते, ये होगी आपकी अविभाज्य है। तो बुद्धि का जो ये वाला सिद्धांत था ये अखंडीय होता, हम इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि बुद्धि को हम तोड़ नहीं सकते। अगर बुद्धि को तोड़ नहीं सकते तो ये बात आपकी किसने कही थी? तो ये बात आपकी कही थी यहाँ पे डाल्टन ने कि बुद्धि को हम यहाँ पे विभाज्य नहीं कर सकते, बुद्धि को तोड़ा नहीं जा सकता, ये बात आपकी डाल्टन ने कही थी। अब जो आपका बुद्धि है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है, आपका सबसे प्राचीन सिद्धांत है जो कि एल्फर्ड बिने ने दिया था। और इसके जो सहयोगी रहे हैं वो आपके रहे हैं यहाँ पे टर्मन जी, टर्मन और स्टर्न, तो ये इसके सहयोगी रहे हैं। सिर्फ इन्होंने सहयोग दिया, ना कि बुद्धि के बारे में यहाँ पे बताया। नेक्स्ट बात करते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। ये जो इन्होंने जो आलोचना की है, जो भी क्रिटिसाइज किया है बुद्धि को लेकर, वन फैक्टर थ्योरी को लेकर, तो इसलिए इसको यहाँ पे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया है। कहा गया है कि बुद्धि का अविभाज्य इकाई माना, यानी कि इस वाली जो एक खंड बुद्धि है हम इसका यहाँ पे खंड नहीं कर सकते, और खंड नहीं कर सकते तो इसलिए ये बुद्धि हुई यहाँ पे अखंड। इसके तत्व है जो वो क्या है, एल्फर्ड बिने, सहयोगी और निरंकुशवादी, और ये इसके तत्व हैं और इसको हम विभाज्य नहीं कर सकते। तो एक खंड यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी है, जो आपका वन फैक्टर थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको हम तोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं अपनी यहाँ पे दो तत्व यानी कि द्विकार्यक सिद्धांत की। ये मैंने यहाँ पे दो बार लिख दिया। नेक्स्ट है दो तत्व जो कि आपने किसने दिया है, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहाँ के थे आपके,
तो ये थे आपके इंग्लैंड के, इसको बोलते हैं कि चार्ल्स स्पीयरमैन। आप इसको अच्छे से बस समझ लीजिए, मैं इसके जो प्रोवाइड जो इसकी जो पीडीएफ प्रोवाइड है वो अपने इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर मैं यहाँ पे जो है वो सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट है, बात करते हैं कि एक सिद्धांत की आलोचना, इन्होंने एक सिद्धांत की आलोचना की है कि जो आपका जो द्विकारकीय सिद्धांत है वो मीन्स एक सिद्धांत नहीं है, वो द्वतत्व का सिद्धांत है, और यहाँ से आपकी जो वो अन्य सिद्धांतों की नींव होती है, यानी कि जो भी अलग अलग सिद्धांत दिए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा, तो यहाँ से इनकी जो है वो नींव मानी जाती है। अब तक तो यूनिफैक्टर जो थ्योरी थी उसको इतना जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी थी, लेकिन इस बुद्धि से आपका द्विकारकीय बुद्धि से यहाँ पे प्रेफरेंस दी है, और अन्य सिद्ध अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांतों की नींव रखकर मीन्स इस बुद्धि को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल एबिलिटी का यूज़ करने में, दो टर्म यूज़ की गई है। मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो दो टर्म है वो दी हुई है, कौन सी दी है, एक तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी और एक दी आपकी यहाँ पे अस फैक्टर, यानी कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी, जो कि आपने किसके दी है, स्पीयर मैन ने दी है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जी फैक्टर में और एक्स फैक्टर में क्या है। यह कारक सभी में होता है, देखो ये जो प्रोसेस है वो इनेट प्रोसेस है, इनेट को हम बोलते हैं, यह है जन्मजात प्रोसेस है, यह जो कारक होता है वो मीन्स जन्म से ही होता है, हर किसी में होता है, ये नहीं कि एक में ही होता है, ये फैक्टर जो है वो हर किसी में होता है, हर किसी व्यक्ति इस काम को करने के लिए सक्षम है। यह कारक जो है वो किस में होता है, सभी में होता है, सभी में मौजूद होगा, और अलग अलग इनेट प्रोसेस होता है, जैसे कि वो उसको यहाँ पे बाय जीन्स मिला है, हर किसी में मीन्स भिन्न हो सकता है लेकिन एक समान होगा, वो एक समान मात्रा में। बात करते हैं इसमें कि ये जो प्रोसेस है वो विदाउट एफर्ट है, यानी कि इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, इसको हर कोई जो है छोटा बड़ा मोटा पतला हर कोई कर सकता है, नो एफर्ट, इसमें एफर्ट की जरूरत नहीं होती। तो हमने बात की ग्रो फैक्टर थ्योरी की कि ये महत्वपूर्ण जो आपका वो फैक्टर है, हर किसी में पाया जाता है, सभी में भिन्न होता है लेकिन एक समान होता है, एक समान मात्रा में होता है और जन्मजात होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एस फैक्टर की। एक्स फैक्टर ये जो आपका वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है, ये जो है आपका ग्रुप फैक्टर है, लेकिन ग्रुप फैक्टर को यूज़ करते हुए जब उसमें भिन्न भिन्न टाइप की जो बुद्धि होती है, यानी कि जो स्पेसिफिक है वो यहाँ पे आपकी जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत आएगी, और स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत आएगी तो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका बताया गया है कि जन्मजात से सीखी हुई जो परिमार्जकता, यानी कि जो उसको परिमार्ज, यानी कि जो भी मीन्स जन्मजात से वो सीखता है अपने भी मीन्स बाह्य स्वरूप से मिलकर, यानी कि आप जो भी वो अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन या बाहरी दुनिया से जो भी वो प्राप्त करता है, वह उसकी जो है वो विशिष्ट बुद्धि होगी, क्योंकि ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो उसके पास है ही, यानी कि सामान्य बुद्धि तो है, लेकिन जब वो अपना मीन्स बाहरी दुनिया से या बाहरी दुनिया से मीन्स सीख कर या फिर उसको मीन्स परिपक्वता हासिल हो जाती है, तो फिर वो एक अपने परिमार्जकता की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखो संगीत सीखना, तो ये जो वो है वो ये इसका जो है वो उसने सीखा है, तो ये इसका क्या हुआ, यहाँ पे अर्जित कारक हुआ, मीन्स इसको यहाँ पे विदाउट एफर्ट की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होती है, विद एफर्ट की जरूरत होती है, इस जो कारक में है उसमें एफर्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो अपना बाहरी दुनिया से लड़कर करे या फिर अपना जो है वो वातावरण में ग्रहण करे या फिर किसी भी टाइप से ग्रहण करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ,
एग्जाम्पल है कि जैसे जेबीटी है, ये सामान्य कारक तो हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति है वो अपनी सामान्य कारक से अलग हटकर जब वो जैसे जेबीटी की सोचेगा या फिर वो बीएड की सोचेगा तो वो उसकी एक विशिष्ट बुद्धि होगी, मीन्स वो उसका एक विशिष्ट काम होगा, स्पेसिफिक इंटेलिजेंट होगी, क्योंकि वो उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन में यानी कि उस स्पेसिफिकता को वो मीन्स यहाँ पे अर्जन करेगा, सीखेगा वो उसको, मीन्स यहाँ पे बायोलॉजिकल फिगर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं मिलती, यानी कि वो उसको जन्मजात नहीं मिलती, वो सिर्फ अपने वातावरण में आने के बाद या फिर मैचुरेशन आने के बाद एक टाइम पर जो उसको फिर वो सीखेगा वो मीन्स वो विशेष बुद्धि होगी फिर उसकी। तो ये मल्टीपल हो सकती है, आप कुछ भी हो सकते हैं, संगीत सीखना, क्रिकेट सीखना, या फिर आपका सिंगर या फिर हीरोइन, तो ये इस तरह की आपकी जो विशिष्ट बुद्धि होगी। और एक ही व्यक्ति में विशिष्ट मीन्स दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, वो हम आगे बात करेंगे आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी में। तो आपको इतनी सी बात समझ में आई, ग्रुप फैक्टर में आपका ये महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर से आज ये अपना, तो हमने ग्रुप फैक्टर और एस फैक्टर की बात की यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि बुद्धि विभाजक है। देखो अब सबसे पहले बुद्धि है जो वन फैक्टर थ्योरी में वो अविभाजक थी, लेकिन इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मीन्स किस मनोवैज्ञानिक ने यह तय कर लिया था या सिद्ध कर दिया था कि जो बुद्धि है वो आपकी विभाजक है, तो ये आपका स्पीयरमैन यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन आपका राइट आंसर होगा। यह जन्मजात से अलग हटकर होती है आपकी जो विशिष्ट बुद्धि होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका तीन तत्व का सिद्धांत यानी कि त्रिखंड या फिर त्रिकार की है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी थी आपकी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी यहाँ पे तीन तत्वों का सिद्धांत दिया था आपका स्पीयरमैन ने, और दो फैक्टर थ्योरी भी आपकी स्पीयरमैन ने दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि तीन तत्व कौन कौन से होते हैं, विशिष्ट कारक, सामान्य कारक और सामूहिक कारक, यानी कि वन टू और थ्री, ये तीन तत्व इस सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पे स्पीयरमैन ने बताए थे। और बताए थे तो बात कर लेते हैं कि तीन तत्व का यहाँ पे क्या महत्व, देख लीजिए ये आपका यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर, ये आपका ग्रुप फैक्टर, ये जो बीच का जो पोर्शन आपका यानी कि उसमें ग्रुप फैक्टर होगा और उसमें स्पेसिफिक भी होगा, लेकिन जो यहाँ पे जो आपका ये जो मिल गया तो ये आपका यहाँ पे बन गया सामूहिक कारक, मीन्स समूह में है कारक है वो, इसको तो वो करेगा इसको भी करेगा, लेकिन जब वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सामूहिक कार्य, यानी कि वो समूह में करेगा। जैसे आप खेलते नहीं थे, जैसे कि आज जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके क्रिकेट में मीन्स तीन व्यक्ति खेल रहे हैं, तो जैसे एक तो इंडिविजुअली खेलेगा, दूसरा भी इंडिविजुअली खेलेगा, लेकिन हम ये नहीं कह देते कि जो भाई तीसरा ना वो आधी पारी इसकी भी खेलेगा और आधी पारी इसकी भी खेलेगा, यानी कि जो बीच का भी चोला यानी कि जिसको बोलते हैं, तो वो थर्ड पार्टी जो है वो इसमें ऐसे इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि वो समूह में वो इसके में भी बैटिंग लेगा और वो इसकी बारी में भी बैटिंग लेगा, तो यहाँ पे थर्ड इस पर्सनैलिटी का ये वाला रोल है, तो इसलिए वो सामूहिक की भूमिका वो रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं आपकी यहाँ पे बहु कारकीय सिद्धांत या फिर बालू का सिद्धांत या फिर परमाणुवादी सिद्धांत। देखिए वो छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो आपके किसका निर्माण करते हैं यहाँ पे परमाणु का, यानी कि जो छोटे छोटे आपके एटम होते हैं वो एक परमाणु का जो है वो यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो इसमें अवनिष्ठता की बात की गई है और बात की गई है कि आपका जो दो कारकों का एक दूसरे से मिलना होता है, यानी कि ये आपके जो छोटे छोटे अणु होते हैं ये एक जगह जब यहाँ पे दो कारक मिल जाते हैं ये तो आपके असंख्य कारक होते हैं, लेकिन जब एक जगह जब दो कारक मिल जाते हैं यानी कि
आपका जैसे संगीत है, संगीतकार, और आपका यहाँ पे कवि है या फिर साहित्यकार है, जब वो मीन्स एक ही बुद्धि में जब उसके जो दो कारक इंक्लूड हो जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं यहाँ पे बहुकारकीय, मतलब एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा विशिष्ट कारक हो सकते हैं। यानी कि जैसे उसकी एबिलिटी है JBT करना, तो उसकी एबिलिटी होगी BED भी करना। तो मीन्स छोटे छोटे जो उसके अणु है, यानी कि जो छोटी छोटी उसकी जो बुद्धि है, वो दो कारकों में या एक से ज़्यादा कारकों में जो वो तब्दील कर जाती है, यानी कि फिर उसकी स्पेसिफिक हो जाती है। यानी कि वो दो या तीन जो है उस वो समूह में रह के मीन्स उसकी बुद्धि को हासिल कर लेता है। लेकिन यह बात कही किसने थी, तो ये आपकी थ्रोनडाइक जी ने कही थी कि जो बुद्धि है वो दो कारकों से ज़्यादा भी हो सकती है, और वो जो जब एक कारक से दूसरे कारक में मिल जाती है तो वो आपकी यहाँ पे बहुकारकीय बुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत। देखो जो ये समूह कारक सिद्धांत था, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, तो ये किसने दिया आपका, लुईस थ्रस्टन ने दिया है। तो लुईस थ्रस्टन के अनुसार मीन्स इस सिद्धांत को जो है वो आपके प्राइमरी 7 भागों में डिवाइड किया, मीन्स इस सिद्धांत को उन्होंने 7 प्राइमरी भागों में जो है वो डिवाइड किया है। इसमें क्या है, इसमें मेन बात ये है कि प्रत्येक कारक जो है वो अपने आप में मीन्स भिन्न होता है, यानी कि अलग है, अलग होता है, और 7 जो कारक है इसमें वो अलग अलग ये बताए हैं। सबसे पहला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा स्पेशियल रिलेशन, वर्ड फ्लुएंसी, परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी या इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये 7 कारक है जो आपके लुईस थ्रस्टन ने बताए हैं कि ये बुद्धि है जो 7 टाइप की, 7 प्राइमरी टाइप की जो वो हो सकती है इस सिद्धांत के अंतर्गत। फर्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे, जो आपका जो वर्बल है, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आपका क्या, यानी कि शाब्दिक चलिए वर्ड कॉम्प्रिहेंशन को देख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि जो वर्बल आपका कॉम्प्रिहेंशन है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शाब्दिक। शाब्दिक अवबोध, इसमें क्या बताया गया है कि शब्दों को जानने की या शब्दों को पहचानने की जिसमें क्षमता होती है, यानी कि मौखिक या लिखित, आइदर ओरल एंड रिटन तरीके से जो भी चीज़ें कही जा रही है हम उसको मीन्स समझ पा रहे हैं या उसको समझने की क्षमता है या नहीं, मीन्स सही या गलत में भी भेद कर रहे हैं या नहीं, तो वो आपका क्या होगा यहाँ पे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। LSRW यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये जो आपकी यहाँ पे कौशल होते हैं, जो भी आपकी 4 स्किल होती हैं उनको हम अच्छे से मीन्स समझ पा रहे हैं या नहीं, तो ये आपका शाब्दिक अवबोध के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी को क्या कहेंगे हम हिंदी में, संख्यात्मक योग्यताएं, यानी कि अंकों को पहचानने की क्षमता, अंकों को पहचानने की क्षमता। तो न्यूमेरिकल में वो तेज है या नहीं, तो ये आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी को अंतर्गत आएगा। थर्ड बात करते हैं स्पेशियल रिलेशन। स्पेशियल रिलेशन में आपका एक तो आएगा यहाँ पे शेप, दूसरा आएगा यहाँ पे पैटर्न। देखो शेप जो आपकी ट्रायंगल या स्क्वायर या सर्कल या फिर रेक्टेंगल, तो ये जो आपकी शेप होती है यानी कि आकृतियों के माध्यम से, या पैटर्न जो आपका मीन्स जैसे
तो एक ही प्रकार का जो शेप होता है, यानी कि जैसे आपका ये एरो है, तो हम इसको बार बार अगर रिपीट करेंगे तो वो एक ही प्रकार की रिपीटेशन किसको दर्शाती है, तो पैटर्न को दर्शाती है। यहाँ पे इसमें मेन बात ये है कि कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका यहाँ पे आगरा है, यहाँ पे कोई भी आपकी जो है वो मीनार है, सपोज दोनों की एरो है जो वो ऐसे बनी हुई है। अगर आपसे ये बोला जाए कि आप आगरा जा रहे हो, एक एरो यहाँ पे है, तो आप में कल्पना करने की शक्ति होगी, तो तभी तो आप सोच पाओगे कि ये एरो जो है वो इधर मुड़ रही है, तो यहाँ पे कोई दिल्ली जाने का रास्ता है। अगर ये इधर है तो आपका आगरा जाने का रास्ता। आप हालांकि गए नहीं हो, यानी कि आप उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको आगरा जाना है, तो आप में एक कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए कि ये जो एरो है ये हमें आगरा तक पहुंचाएगी। तो मेनली जो है इसमें स्थानिक संबंध में तो आपका यहाँ पे कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए, और शेप और पैटर्न के माध्यम से आप उस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी कि वहां तक पहुंच सकते हैं, आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो कल्पना करने की शक्ति आपकी यहाँ पे स्पेशियल रिलेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी ये भी आपका बहुत इजी है, यानी कि बोलने की जो भी चालाकी होती है आपकी, यानी कि बोलने की जो भी आपकी क्षमता होती है, बोलने की क्षमता या चालाकी, या फिर कह लीजिए कि शब्द प्रवाह, जो शब्द प्रवाह कारक है वो आपका यहाँ पे जो है वो डेवलप होना चाहिए, उसके बारे में जो आपकी फ्लुएंसी है वो मीन्स एक तरह से बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपका वर्ड फ्लुएंसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि हम इसको बोलेंगे प्रादेशिक गति। देखो फ्रेंड्स, प्रादेशिक गति में क्या आएगा, प्रादेशिक गति में ये आएगा कि किसी भी चीज पे आपका फोकस है या किसी भी चीज को आप देख रहे हो सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, उसी सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से आप जिस भी फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप यहाँ पे एक रूम में है, आपकी बाहर से घंटी की आवाज आती है, बाहर से कोई बोल रहा है, तो आप एकदम जो दरवाजा खोलोगे तो आपके सामने क्या चीज प्रोवाइड होगी, मींस कौन व्यक्ति होगा, या फिर किस तरह की जो है वो भावना आप सोच रहे हो, तो उसी को जो उस चीज को देखकर, यानी कि दरवाजे के बाहर किसी भी चीज को देखकर, किसी भी अननोन पर्सन को देखकर आपका जो भी मींस भावना होगी, अभी जो अर्थ होगा तुरंत उस चीज के बारे में, मीन्स डायरेक्ट देख के जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा सडन, उस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं परसेप्चुअल। कोई भी चीज सडन आपके सामने आ जाए, उसको डायरेक्ट देख के आप उसके बारे में जो भी निर्णय होगा, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा, वो आपका यहाँ पे होगा परसेप्चुअल। तो ये आपका था यहाँ पे प्रायतेशिक गति, यानी कि चीजों को देखने की जो समझ है, उसके बारे में आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा, वो आपका यहाँ पे प्रायतेशिक गति होगा। इसमें जो बात करते हैं वो एक तो है आपका वॉइस परसेप्चुअल, और दूसरा आपका लेटर परसेप्चुअल। लेटर में तो आपका आएगा यहाँ पे टेक्स्ट लिखित, जब भी आपके कोई मैसेज करता है तो आप एकदम उसका मैसेज खोल के जो भी आपके माइंड में जो भी प्रतिक्रिया चल रही होती है उसका एकदम से जो आपका रिस्पॉन्स मिल जाता है, हाँ या ना में, हालांकि आप व्यक्त नहीं करते, व्यक्त आप तभी करोगे जब उसका रिस्पॉन्स यानी कि मैसेज को रिसीव करके आप उसको फिर है रीसेंड करोगे मैसेज, यानी कि फिर उसको सेंड करोगे मैसेज। और जो वॉइस में आपका होगा बोलकर और सुनकर, जो भी आपका, या फिर देखकर, तो उस मतलब को आप समझ पा रहे हो या नहीं, तो वो आपका यहाँ पे होगा वॉइस परसेप्चुअल। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति को क्या बोलना है क्या, तो वो आपके हाव भाव तब तक नहीं बताएंगे कि जब तक आप उसको प्रत्यक्ष देख नहीं लेंगे या उसके बारे में
जवाब नहीं देंगे। तो ये दो टाइप के थे, परसेप्चुअल लेटर परसेप्चुअल और वॉइस परसेप्चुअल। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। मेमोरी में क्या होता है फ्रेंड्स, तो मेमोरी यहाँ पे क्या आपकी याद करने की क्षमता, कोई भी किसी भी चीज़ को आप कितने समय तक याद रखते हो, उसके बारे में कितना आपका जो है वो व्यू है, कितना आपका याद करते हो, तो वो आपका यहाँ पे मेमोरी के अंतर्गत आएगा। मीन सूचनाओं को अच्छे से समझ पाना, सूचनाओं के बारे में अच्छे से स्मरण करना, अच्छे से याद करना, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो मेमोरी के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपका जो है वो इंडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग। ये सभी जो मैं आपको यहाँ पे वो बता रही हूँ, तो ये सभी जितने भी सात भाग थे ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत किसने बताए थे, तो थ्रस्टर ने बताए थे। उन्हीं में से एक ये है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा आपका कि तार्किक रूप से किसी चीज़ को आप कर पा रहे या तर्क करने की जो भी आपकी एबिलिटी है उसको आप सक्षम है या नहीं। मीन्स आपके सामने कुछ भी जो कुछ भी आपके सामने यहाँ पे जो है वो तथ्य दिए जाए, उस तथ्यों के आधार पर आप निर्णय ले पा रहे हो या उसमें नियम निकाल पा रहे हो या नहीं, यानी कि उसको जनरलाइज कर रहे हो आप उस फॉर्म में या नहीं। तो तर्क करने की क्षमता आपका इंडक्टिव रीजनिंग को बताती है, तो तर्क आपका बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका ये हमने यहाँ पे वाइंड अप किया आपका लुईस थ्रस्टन के अनुसार जो सात भाग में दी गई थी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका, आपका इस जो है ग्रुप फैक्टर से डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बालक एक मकान का चित्र बना रहा है, तो थ्रस्टन के अनुसार बालक में किस प्रकार की प्रधानता है। तो थ्रस्टन के अनुसार तो एक मकान का चित्र उसको पता नहीं है कि मकान कैसा बनेगा, वो सिर्फ अपना एक तरह से कल्पना कर सकता है, यहाँ पे सोच सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है कि वो किस तरह का जो चित्र है वो उसका बनेगा। अभी मैं कोई यहाँ पे ड्रॉ करूँ कोई भी पिक्चर, तो मेरे माइंड में सिर्फ कल्पना है कि वो ऐसी बनेगी, उसमें ये नहीं है कि यहाँ पे जो है, तो एक तरह से यहाँ पे आपकी कल्पना होगी उस मकान का चित्र बनाने में। तो यहाँ पे स्थानिक आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका इम्पोर्टेंट सिद्धांत, जो कि दिया था आपका यहाँ पे गिलफोर्ड ने, जिसको हम बोलेंगे त्रियामी या त्रिविमीय या फिर बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, या फिर हम इसको कह सकते हैं यानी कि बुद्धि का 3D मॉडल। तो 3D मॉडल में यहाँ पे बात करते हैं कि गिलफोर्ड ने क्या कहा है। देखो गिलफोर्ड ने एक मॉडल दिया है जिस मॉडल को हम यहाँ पे बनाते हैं, तो ये जो मॉडल है, चलो दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, देखो इस मॉडल, देखो फ्रेंड्स ये मॉडल इस टाइप से है, इसमें जितनी भी संक्रियाएं या जितने भी उत्पाद या विषय वस्तु दी गई है वो इस मॉडल के अंतर्गत दी गई है। ये जो मॉडल है इसको हम क्या बोलते हैं, 3D मॉडल। तो ये जो 3D मॉडल है ये आपका दिया है यहाँ पे, किसने दिया है, तो ये दिया आपका गिलफोर्ड ने, JP गिलफोर्ड ने। JP गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचनागत मॉडल JP गिलफोर्ड द्वारा। तो इन्होंने इसमें क्या कहा है, इन्होंने इसमें विषय वस्तु बताई है कि जो पांच विषय वस्तु होती है, चार संक्रिया होती है और जो 6 है आपके ये उत्पाद होते हैं। इन्होंने एक मॉडल जो एक जो पिक्चर है वो ऐसे भी ड्रॉ की है कि जो संक्रिया आपकी वो 4 और जो आपका उत्पाद है वो 6 और जो विषय वस्तु आपकी वो है 5। तो अगर हम इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 4 × 6, तो 5 × 20 और जो 120 है
तो 120 टाइप की जो भी आपकी यहाँ पे एबिलिटी होती है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे इस शैल को दर्शाती है। अब बात करते हैं कि जो ये ऑपरेशन है या कंटेंट है या प्रोडक्ट है, ये है क्या। इसी वजह से इसको है, इस सिद्धांत को है वो कई जगह है संज्ञान स्मृति अपसारी या अभिसारी या फिर जो संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद है उनके अंतर्गत यहाँ पे दर्शाया गया है। विभिन्न विभिन्न पर्सपेक्टिव में संक्रिया में उन्होंने क्या जो पॉइंट है वो लिए हैं, विषय वस्तु में है वो क्या पॉइंट लिए हैं, उत्पाद में क्या पॉइंट लिए हैं। तो अभी एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, उससे आपको पता लग जाएगा। फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक तरफ जो आपकी संक्रिया है, एक तरफ आपकी जो है विषय वस्तु है और एक तरफ आपका उत्पाद है। संक्रिया में आपका यहाँ पे क्या है मूल, संक्रिया में आपका यहाँ पे जो है वो संज्ञान है, स्मरण है, परंपरागत चिंतन है, और विषय वस्तु में आपका व्यवहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक या आकृतिक। और बात करते उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आपका इकाई है, वर्ग है, संबंध है, प्रणाली है, प्रत्यावर्तन है और निहितार्थ है। तो ये जो 3D मॉडल था ये आपका JP गिलफोर्ड ने दिया है। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मीन्स JP गिलफोर्ड द्वारा कौन सी ऐसी संक्रिया है, कौन सा ऐसा उत्पाद है जो इसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन विषय वस्तु की बात करें तो व्यावहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक, आकृतिक, इनके अलावा आपका जो है यहाँ पे इकाई डाल देगा और उससे पूछ लेगा कि कौन सा विषय वस्तु से अलग हटकर है या कौन सा विषय वस्तु से संबंध रखता है, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे अलग दे देगा। तो ये 3D मॉडल मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और बता दूं कि जो NCERT में है उसमें जो ये एबिलिटी बताई गई है वो 150 बताई गई है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 150 और 120 आ गया तो आपको जो ऑप्शन आंसर राइट करना वो 120 पर राइट करना है। अब एक क्वेश्चन देख लेते कि निम्न में से कौन सा कारक गिलफोर्ड ने विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल नहीं किया। तो कौन सा उन्होंने विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल नहीं किया, जैसे मूल्यांकन है, सांकेतिक है, शाब्दिक है या फिर आपका जो है आकृतिक है। तो विषय वस्तु के अंतर्गत कौन सा यहाँ पे जो है वो संबंध नहीं रखता आपका, तो इसमें से आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो रेमंड जो यहाँ पे आपके रेमंड कैटल जी हैं, उन्होंने यहाँ पे कौन सा सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने जनरल इंटेलिजेंट को मीन्स दो भागों में बांटा है, और कौन सा, तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले है फ्लूड इंटेलिजेंस और दूसरा है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट, यानी कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, ये दो जो भागों में, दो भागों में बांटा है। ये किसने बांटा है, आपके कैटल जी ने। उन्होंने इसमें क्या कहा गया कि जो आपकी चिंतन करने की जो अमूर्त रूप से या फिर आपकी जो रीजनिंग यानी कि तर्क करने की जैसे सृजनात्मकता चिंतन होती है, उनसे जो भी आपका तर्क करने की क्षमता होती है या उनसे जो निष्कर्ष निकलने की जो भी आपकी योग्यता होगी या फिर उनसे संबंध रखने की या फिर समझने की जो भी योग्यता होगी, तो वो आपकी यहाँ पे आएगी आपका ग्रुप फैक्टर में। इन्होंने ग्रुप फैक्टर जो है वो किसको मानना है, तो ये आपका यहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंस को मानना है। लेकिन जो आपका GC माना है वो आपका यानी कि ग्रुप क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, वो ठोस बुद्धि को माना है। तो तर्क चिंतन समस्या का समाधान निकालने की जो वो एक जन्मजात योग्यता होती है, आयु के अनुसार जो अबुद्धि उसमें आपके चेंजेज होते रहते हैं और ये एक हेरिडिटरी फैक्टर होता है, यानी कि आनुवंशिक घटकों से प्राप्त या आनुवंशिक घटकों से या उन कारकों से जो भी है वो प्रभावित होता है। और ठोस बुद्धि की बात करें तो अर्जित ज्ञान द्वारा कौशलों वाली बुद्धि होती है, यानी कि इसको अर्जित करना पड़ता है, यानी कि इसको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जो वो है ये स्टैटिक होती है, वातावरण घटकों से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ये क्रिस्टलाइज या फ्लूइड को आपको याद कर लेना है।
जो कि आपका कैटल ने दिया था। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह पूछा जाता है कि रेमंड कैटल के अनुसार कौन सी यहाँ पे बुद्धि नहीं है, कौन सी बुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, या फिर एक दो जो वो आपका अलग से दे देगा यहाँ पे। तो उसमें से जो आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो वो आंसर आपका यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका जो ये लास्ट बुद्धि है, हमने अभी तक बात की यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरैक्ट मॉडल था, या फिर हमने बात की यहाँ पे वन फैक्टर थ्योरी की, टू फैक्टर थ्योरी की, थ्री फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और हमने बात की यहाँ पे रेमंड कैटल की, जिन्होंने दो भागों में बांटा था बुद्धि को, और यहाँ पे जो गिलफोर्ड थे उन्होंने 3D मॉडल दिया, या फिर जो आपके यहाँ पे थर्स्टन थे उन्होंने बुद्धि को यहाँ पे सात जो प्राइमरी है उस भागों में बांटा। और अब बात करते हैं यहाँ पे जॉन बी कैरोल, तो जो जॉन बी कैरोल थे उन्होंने तीन स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? थ्री स्तर बताए हैं। और बुद्धि का एक त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा है कि जो बुद्धि होती है वो भी विभिन्न कारकों के रूप में विभाजित होती है, जैसे आपका सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। एक क्वेश्चन देखते हैं कि जॉन बी कैरोल ने अपने सिद्धांत में किन किन मनोवैज्ञानिक के कारकों को सम्मिलित किया है। तो जो भी सम्मिलित किया है वो किसके कारकों को किया है? हल और कैटल के। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका कि मनोवैज्ञानिक के द्वारा, मीन्स इन मनोवैज्ञानिक के द्वारा जॉन बी कैरोल ने अपने सिद्धांत में किसको पार्टिसिपेट किया है? तो कैटल की। तो कैटल की जो भी तरल या ठोस बुद्धि है उनको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे महत्वता दी है। अब इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं, उस पिक्चर से आपका जो भी है वो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे कि आपके सामान्य स्तर पर और विस्तृत स्तर पर और संकीर्ण स्तर पर, सामान्य बुद्धि को तरल, ठोस, सामान्य स्मृति वैधिगम, विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण, विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता या प्रति संसाधन प्रतिक्रिया, समय निर्णय गति, और संकीर्ण में आपका जो भी आएगा वो आएगा संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवहार, संज्ञानात्मक प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक तथा प्रगतिकारी है। तो ये जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका जो है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आपका विस्तृत स्तर आएगा, फिर आपका संकीर्ण स्तर आएगा। उन्होंने देखो मैंने बताया था कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है उनको महत्वता दी है यहाँ पे कैटल की बुद्धि में, मतलब कैटल की बुद्धि ने जो भी कैरोल है, कैरोल के सिद्धांत में महत्व दिया है तरल बुद्धि को, ठोस बुद्धि को। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बात की जॉन बी कैरोल की, और बात की आपकी यहाँ पे कैटल की, सिद्धांत की, हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं बीच में, और समूह कारक जो आपका थ्रस्टन का था, और बहुकारक की बात की, यहाँ पे तीन तत्व सिद्धांत की बात की, स्पीयरमैन ने दिया था, और द्विकारक सिद्धांत की बात की जो भी आपका स्पीयरमैन ने दिया था, और यहाँ पे बात की हमने एक कारक सिद्धांत की। तो कुल मिला के हमारा जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे वाइंड अप हो गया है। जिन भी सिद्धांत की बात की थी, यूनिफैक्टर, वन फैक्टर थ्योरी, आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि के त्रितंत्र का सिद्धांत, जो कि आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था, और हार्वर्ड गार्डनर का जो भी मल्टीपल थ्योरी थी उसकी बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी आई, कैसी लगी, तो आपको अभी जल्दी से शेयर कर देना है और लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।